दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय आत्मा प्रकाश कायस्था एंड सन्स सुजानपुर। भारत चीन LAC में शहीद हुए भोरंज उपमंडल के शहीद अंकुश की याद में स्वामी विवेकानंद BED कॉलेज दरकवाड़ी में 10 जुलाई को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। रक्तदान शिविर का आयोजन बाबा बालकनाथ ब्लड डोनर्स क्लब द्वारा किया जा रहा है। बाबा बालकनाथ ब्लड डोनर्स क्लब के प्रधान राजन शर्मा ने बताया कि अब हर वर्ष 16 जून को अमर शहीद अंकुश ठाकुर की याद में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत इस वर्ष 10 जुलाई से की जा रही है। नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा, बाबा बालकनाथ ब्लड डोनर्स ग्रुप मेंबर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बाबा बालकनाथ ब्लड डोनर्स ग्रुप मेंबर 10 जुलाई शुक्रवार BED कॉलेज तर्कवाड़ी में अमर शहीद अंकुश ठाकुर की याद में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने फ्रेंड सर्कल में आगे से आगे इस मैसेज को पहुंचाएं। और जो लोग अदर स्टेट से आए हुए हैं, होम क्वारंटाइन में हैं और जो कंटेनमेंट जोन में हैं, वो इसमें वो कैंप में हिस्सा ना लें। आप सभी लोगों से निवेदन है मेरा कि आप इस कैंप में जरूर हिस्सा लें और आगे से आगे इस मैसेज को पहुंचाएं। तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना और लड़ना यही जिंदगी है। आपकी सेवा महान है। नमस्कार। रक्तदान आपके लिए कुछ मिनटों का समय जो है वो हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए जो है ये जीवन दान है। तो आप सभी से हमारा ये आग्रह रहेगा कि हमारे इस रक्तदान शिविर में जो है वो बढ़ चढ़ कर भाग लें। दिव्य हिमाचल TV के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार के साथ सुमित कुमार की रिपोर्ट। अगर आप सुजानपुर शहर के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो अब आपको दवाइयां इत्यादि लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सुजानपुर शहर के सुप्रसिद्ध दवाई विक्रेता मैसर्ज आत्मा प्रकाश कायस्था एंड सन्स नजदीक सिविल हॉस्पिटल सुजानपुर एक बेहतरीन कदम उठाते हुए शहर के न्यूनतम 300 रुपए मूल्य और शहर के बाहर 5 किलोमीटर के दायरे में 600 रुपए मूल्य की दवाइयां बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आपके घर तक पहुंचाने के कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हां, इसके लिए आपको जिस किसी भी प्रकार की दवाई की आवश्यकता हो तो आप फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के जरिए से उन दवाइयों की लिस्ट भेज सकते हैं। दवाइयां बुक करवाने के लिए इन फोन नंबरों पर संपर्क करें 9418084618889431878। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के इस काल में पिछले 1-2 दिन के अंदर काफी सारी रियायतें केंद्र सरकार ने और हिमाचल सरकार ने दी हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना महामारी से हम लोगों ने निजात पा ली है, बल्कि सरकारों के पास इसका कोई विकल्प नहीं है। तो उस विकल्प के लिए मेरी हिमाचल वासियों से यही प्रार्थना है कि जिस तरह हमने 4 महीने में पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ में कोरोना महामारी से लड़ाई करी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सब उन उपायों पर गौर करें। नंबर 1 कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। वहां पे जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा हो, बसेस में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स के अंदर। और दूसरा, आप मास्क पहने जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो, क्योंकि तो आपको यह नहीं पता कि उनमें से कौन सा व्यक्ति पीड़ित है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज करते रहें, छोटा हैंड सैनिटाइजर हमेशा पॉकेट में रखें और हो सके तो ग्लव्स पहन के रखें जब आप बाहर किसी नई जगह पे जाएं या किसी अनजान आदमी से मिलें। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सब सुरक्षित रहें और हमारी सेवाएं लेते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हेलो, हाय, मैं सिंगर स्वरूप शर्मा हमीरपुर डिडमी से आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आजकल देश में कोरोना का दौर चल रहा है, बहुत भयंकर बीमारी जिसे आप सबको बचना है और दूसरों को भी बचाना है। जो भी बाहर से कोई लोग आते हैं उन्हें जरूर प्रधान को रिपोर्ट करें और अपने हाथों को बार बार जो है रोज़ धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क लगा के रखें, जितना बचाव कर सकते हैं अपना बचाव करें, नहीं तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी। और आज कल परसों लगातार हम और आप सब लोगों का जीना दुश्वार हो सकता है अगर हमने अपना प्रिकॉशन नहीं लिया तो। सबसे एक बार फिर अपील करता हूँ कि इस कोरोना बीमारी से बच के रहें, अपना ध्यान रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है ताकि ये बीमारी फैल ना सके और हम सब लोग आपस में खुश
खुशी खुशी जीवन जैसे पहले व्यतीत करते आए हैं वैसे जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।